We are going to read about NOR gate implementation for other gates. आज हम लोग NOR gate implementation देखेंगे और NOR gate से हम लोग बाकी जितने भी gates हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्हें कैसे बनाया जाता है. और ये आज का lecture 3 है. So हम लोग NOR gate से कैसे बाकी gates बनाते हैं ये आज हम लोग देखते हैं. ये DSCS सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म है. तो सबसे पहले क्योंकि हमें NOR गेट से सारे गेट्स बनाने हैं तो हम लोग NOR गेट सिलेक्ट कर लेते हैं. और सबसे पहला है कि NOR गेट से हम लोग को NOT गेट बनाना है. तो हमने ये इनपुट ले लिया और आउटपुट के लिए हमने LED ले लिया. अब हम वायर को सिलेक्ट कर रहे हैं. वायर को सिलेक्ट करने के बाद कनेक्शन कर दे रहे हैं. कनेक्शंस करने के बाद इसे हम लोग स्टिमुलेशन में यहाँ रन कर देते हैं. स्टिमुलेशन में हमें आउटपुट पता चल जाएगा कि ये नॉट गेट की तरह काम कर रहा है या नहीं. तो जैसे हमने यहाँ पे कोई आउटपुट इनपुट दिया नहीं है तो हमारा आउटपुट आ रहा है. और जैसे हमने यहाँ पे इनपुट क्लिक किया 1 दिया आउटपुट 0 हो गया. LED से पता चल रहा है. जैसे हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा बिकॉज LED हम लोग का जल रहा है. और जैसे हमने 1 प्रोवाइड किया तो LED यहाँ पे बंद हो जा रहा है. इससे पता चल रहा है कि ये NOT लॉजिक को सेटिस्फाई करता है. तो ये NOR गेट से हम लोग का NOT गेट इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली कम्प्लीट होता है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे NOR गेट से हम लोग बाकी गेट्स बनाने के लिए. तो हम लोग क्या करते हैं, NOR गेट सिलेक्ट किए, एक और NOT गेट ले लेते हैं. अब इनपुट ले लेते हैं. दो इनपुट सिलेक्ट करते हैं. अब वायर से इन्हें कनेक्ट कर देते हैं. वायर से कनेक्ट करने के बाद आउटपुट लेते हैं हम लोग. आउटपुट के लिए LED और LED को भी हम लोग वायर से जोड़ देते हैं. और इस गेट का आउटपुट को हम लोग कंबाइन कर देते हैं इस गेट के साथ. अब इसे स्टिमुलेशन में जाएंगे जहां स्टिमुलेशन में हम इसे आउटपुट चेक कर सकते हैं. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 0 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ LED हमारी ग्लो नहीं कर रही है. हमने 0 0 प्रोवाइड किया तो LED ग्लो नहीं कर रहा है. बट जब हम 0 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो LED ग्लो कर रहा है. फिर 1 0 हमने प्रोवाइड किया तो LED हमारा ग्लो कर रहा है. अब 1 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा LED ग्लो कर रहा है. इससे साबित होता है कि ये और गेट का लॉजिक को फॉलो कर रहा है. तो ये है हमारा NOR गेट एज OR गेट. बाकी के गेट्स बनाते हैं दोस्तों. हमने इनपुट सिलेक्ट कर लिया. अब हम NOR गेट सिलेक्ट करते हैं. तो ये हमने NOR गेट सारे ले लिए. आउटपुट के लिए हम LED सिलेक्ट करते हैं. अब इन्हें वायर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे.
इन दोनों आउटपुट्स को हम लोग इस गेट के साथ, आगे के नॉर गेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और इस नॉर गेट का आउटपुट को हम एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसे हम स्टिमुलेट और रन करा के चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हमने कुछ नहीं प्रोवाइड किया तो हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा, दैट मीन्स हमारा ये 00 पे हमारा आउटपुट 0 है, पर जैसे हमने 01 प्रोवाइड किया यहाँ पे आउटपुट कुछ आया नहीं, फिर हमने 10 प्रोवाइड किया तो यहाँ पे भी आउटपुट हमारा कुछ नहीं आया। अब 11 पे हमारा आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा एक एंड गेट किस तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसके तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन एज एंड गेट वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे के गेट्स बनाते हैं। यहाँ हम नॉर गेट को सिलेक्ट किए जा रहे हैं और आउटपुट चेक करने के लिए हमने यहाँ एलईडी दे दिया है। अब इनपुट के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ हम इसे अब जोड़ना चाहेंगे वायर के साथ, तो वायर से हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया। वायर को हम अब कनेक्ट कर दे रहे हैं और ये एलईडी के साथ कनेक्ट हो चुका है, ये सारे कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। और इसके बाद हम इसे स्टिमुलेशन करेंगे। स्टिमुलेशन करने के बाद हमने देखा कि जब हमने कुछ नहीं प्रोवाइड किया तो ये एलईडी हमारा जल रहा है, और अब हम 01 प्रोवाइड करते हैं, देख रहे हैं कि एलईडी हमारा बंद हो जा रहा है। फिर हमने 10 प्रोवाइड किया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब अब हमने 11 प्रोवाइड किया, अब हमारा एलईडी फिर से जल रहा है। तो ये हम लोगों का एक एक्स नॉर गेट के तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन फॉर एक्स नॉर गेट हमने बना लिया। फिर से बताता हूँ, देखिए हमने यहाँ पे 00 प्रोवाइड किया तो ये एलईडी ग्लो कर रहा है, फिर हमने यहाँ पे 01 प्रोवाइड किया तो एलईडी ग्लो नहीं कर रहा, 10 प्रोवाइड किया तो हमारा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा, पर जब हम 11 प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा एलईडी जल रहा है। इससे ये साबित हो जाता है कि ये हमारा नॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन जो था एक्स नॉर गेट के लिए, एक्स नॉर, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ।
आगे थोड़ा सा इस डायग्राम को हम लोग छोटा कर लेंगे दोस्तों, और आगे थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोग इसे एक्स और गेट भी बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। वायर ले लेते हैं कनेक्शन के लिए, ये हमने कनेक्ट कर दिया वायर के साथ आउटपुट को भी। अब इसे स्टिमुलेट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब 0 0 था हमारा, 0 0 पे ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है जो हमारा एक्स और गेट में होता है। और फिर हमने यहाँ क्या किया, 0 1 प्रोवाइड किया जिससे हमारा एलईडी जलने लगा जैसा एक्स और गेट में जलता है। फिर हमने यहाँ पे 1 0 प्रोवाइड किया तब भी हमारा एलईडी जल रहा है जैसे एक्स और गेट में होता है। और फिर दोस्तों देखिए, दोनों को हम जब ऑन कर रहे हैं यानी दोनों से 1 1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो एलईडी हमारा जल नहीं रहा है। तो ये हम लोग का जो लॉजिक है ये साबित करता है कि हम लोग एक्स और गेट बना रहे हैं। ये एक्स और गेट लॉजिक है, नैंड गेट लॉजिक, नॉर गेट लॉजिक, नॉर गेट लॉजिक फॉर एक्स और गेट इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट होता है इसके साथ। और लेक्चर 3 यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।